संसद भवन में आज 12वीं विधानसभा के निर्वाचित सभी मान्य सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट के मंत्री बीएल वर्मा जी, जो कोऑपरेटिव को भी देखते हैं, वह भी हमारे बीच में आए हैं। हमारे महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, प्राइड के इंचार्ज एडिशनल सेक्रेटरी, सभी अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, मणिपुर मनियों का राज है, जहां पर प्राकृतिक सुंदरता, त्योहारों का प्रदेश, असीम संभावनाओं का प्रदेश, जहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वहाँ की जनता का प्रकृति से प्रेम के साथ विकास की संभावनाओं में काम करने का दृढ़ संकल्प। आप सब 12वीं विधानसभा के अंदर निर्वाचित होकर आए हैं, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मणिपुर की जनता ने दिए, उस क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने की, लोगों की आकांक्षा कठिनाइयां अभावों को दूर करने की, और किस तरीके से आप सबके प्रयासों से, सरकारों के प्रयास से हम मणिपुर की जनता के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकते हैं, इसके लिए एक विधायक के रूप में आपको जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ भेजा है। भारत का संसदीय लोकतंत्र आज दुनिया के लिए मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में है। आज़ादी के बाद हमारे सामने चुनौती थी कि हम लोकतंत्र को जनता से समर्पित रखते हुए किस तरीके से बेहतर लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाते हुए समाज में समानता के साथ उस समय मौलिक अधिकार और अधिकार के साथ जनता की भावनाओं के अनुरूप राज्य और केंद्र के अंदर नीतियां और योजना बनाकर उनका विकास कर सके, क्योंकि ये वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो हमें उन लोगों को याद करना है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दिया, बलिदान दिया, एक लंबी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किस तरीके से उस समय क्रांतिकारियों नेताओं ने देश को सामने रखकर किस समर्पित भाव से, समर्पण से, सेवा से, त्याग से, बलिदान से इस देश को आज़ाद कराया। इसलिए ये वर्ष हमारे लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण याद करने का वर्ष भी है और उनके देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से
काम करने का उनका लक्ष्य हमें नई प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा देता है। हम सब लोग उस राज्य से आते हैं जो राज्य किसी जमाने में पिछड़ा था, न रोड कनेक्टिविटी थी, न रेल कनेक्टिविटी थी, न एयर कनेक्टिविटी थी, न पीने का पानी था। एक बुनियादी आवश्यकताओं से संघर्ष कर रहा था, लेकिन आप सबके लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रयासों से, चुने जनप्रतिनिधियों और सरकारों के प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से आज मणिपुर विकास की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी एक असीम संभावनाएं विकास की मणिपुर में है, क्योंकि पूर्वोत्तर में मेरा कई बार जाना हुआ। पूर्वोत्तर संस्कृति को संरक्षण करते हुए हमें विकास की योजनाएं बनाना है, जहां हमारी पूर्वोत्तर संस्कृति भी संरक्षण भी रहे, वहां की परंपराएं, रीति रिवाज, वहाँ की प्राकृतिक संपदा, उस सबको संरक्षित करते हुए हमें विकास के मॉडल को बनाना है। इसलिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका ज़्यादा व्यापक हो जाती है। जनप्रतिनिधि जनता से सीधा संवाद रहता है, वो जनता के बीच में रहते हैं, तो उनकी समस्याएं, अभाव, कठिनाइयों को जानते हैं। इसलिए विधानसभाओं के माध्यम से हम सदन में उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए सदन मर्यादित चले, अनुशासित चले, सदनों के अंदर सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, सरकार के सामने हम चर्चा संवाद के साथ सुझाव भी रखें, सकारात्मक दिशा भी रखें, ताकि सरकार जब नीतियां बनाए, कार्यक्रम बनाए, तब हमने दिए गए सुझाव, हमने दिए जनता के अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर अगर कोई सरकार नीतियां बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, तो निश्चित रूप से उससे जनता का कल्याण होता है। और उसके लिए एक नए चुने वाले विधायकों को, जहां हमारे पूर्वोत्तर जो वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं, उन वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव, उनका ज्ञान, उन्होंने सदनों में की चर्चा संवाद, उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक जनप्रतिनिधि उस विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के अंतर्गत किस तरीके से अपनी बात रख सकता है, तो जहां पर हमें पुराने वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव, ज्ञान प्राप्त हो, संसदीय नियम प्रक्रियाओं की जानकारी हो, संविधान की जानकारी हो, और जनता की भावनाओं की जानकारी हो, इन सब चीज़ों के जानकारी होने से सदन में हम व्यापक तरीके से चर्चा संवाद कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी कानून बनाने की भी है। मणिपुर विधानसभा ने महत्वपूर्ण कानून बनाकर मणिपुर की जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए, कानूनी उनको अधिकार दिया है। कानून जनता के लिए बनते हैं ताकि
उनको कानून के अंतर्गत अधिकार मिल सके, जनता को कानून के अंतर्गत न्याय मिल सके। कानून अगर सही बनता है तो शासन और प्रशासन में जवाबदेही भी होती है, पारदर्शिता भी होती है। इससे कानून बनाते समय विधानसभा में हमें पूर्वोत्तर कानूनों का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कई बार कानून के अंदर मूल कानूनों में संशोधन लाते हैं। जब मूल कानून में संशोधन लाते हैं, कुछ कंक्रीट सब्जेक्ट होते हैं जिसको केंद्र और राज्य बना सकता है, कुछ कानून राज्यों को ही अधिकार है, कुछ कानून केंद्र को ही अधिकार है। हमारी संविधान की अनुसूची में स्पष्ट रूप से कानून बनाने का अधिकार को स्पष्ट किया है। इसलिए जो राज्यों के जो कानून बने, उस समय मूल कानून में संशोधन हो तो कानून बनाने का उद्देश्य क्या था, क्या क्या उसमें चर्चा संवाद हुई थी, और कानून में आज जो संशोधन कर रहे हैं उन संशोधनों से कानून के माध्यम से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए अगर हम जनता से इनपुट लें, जनता से जानकारी प्राप्त करें। हर कानून पब्लिक डोमेन में जाता है तो पब्लिक से हम उस कानून के बारे में व्यापक चर्चा संवाद करेंगे तो कानून पे व्यापक रूप से चर्चा संवाद कर पाएंगे। इसलिए कानून व्यापक चर्चा संवाद से भी बनना चाहिए और व्यापक संवाद कानून के साथ हमारे जनता का इनपुट, पुराने कानून बनाने का कारण और नए कानून पे पड़ने वाले प्रभाव, उसके आकलन के साथ अगर हम चर्चा संवाद करेंगे तो बेहतर कानून बनाएंगे, कानून में कोई कमी नहीं रहेगी और उस कानून से जनता का सामाजिक, आर्थिक और उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मौजूदा विधानसभाओं में ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है, इसलिए नए विधायकों को विशेष रूप से ज्यादा सदन में बैठना, ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रूप से चर्चा संवाद में हिस्सेदारी लेना, जिस तरीके का आपका उत्साह है, यहाँ महिला सदस्य भी बड़ी संख्या में चुनकर आई हैं मणिपुर में, और महिलाओं का पूर्वोत्तर राज्यों में विकास में बहुत बड़ा योगदान है। केवल पूर्वोत्तर राज्य में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिला कामकाजी होती है, परिश्रमी होती है, एक विजन के साथ काम करती है, तो हमें उस प्रदेश और देश के परिप्रेक्ष्य में और दुनिया के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में सदन में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश जितने भी हैं, अभी कुछ दिनों पहले हम सिंगापुर हमारा जाना हुआ था, कंबोडिया जाना हुआ था, वियतनाम जाना हुआ था, हमने जो पॉलिसीज बनाई, इन सारे प्रदेशों के साथ हमारे पूर्वोत्तर देशों के साथ उस पॉलिसी के अंतर्गत हमारा उन देशों के साथ निकट संबंध हो, हमारी सांस्कृतिक, हमारा टूरिज्म, हमारा व्यापार उद्योग, क्योंकि पूर्वोत्तर एक पॉलिसी का एक हिस्सा है, उसका प्रवेश द्वार है।
इस नाते भी आप देख लें कि पूरी मयंबर से लेकर पूरी की पूरी बाउंड्री आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए वहाँ के अंदर जो उन देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन, उसका प्रभाव भी पूर्वोत्तर प्रदेशों में पड़ता है। आज हम एक गर्व के साथ कह सकते हैं भारत की पॉलिसी नीतियाँ, भारत के प्रधानमंत्री का विजन, पूरे विश्व के साथ उनके व्यापार, उद्योग, पर्यटन, सांस्कृतिक संबंध, इसके कारण देश के अंदर आज एक सकारात्मक वातावरण बना है। दुनिया के अधिकतम देश भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, नजदीक संबंध बनाना चाहते हैं। इसका कारण भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है कि भारत के अंदर लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है, कानून बनाते समय बुनियादी जनता की आवश्यकताएं और इंटरनेशनल परिवर्तन के साथ कानून बनाते हैं। एक स्थिरता वाला देश भारत है, स्थिरता, शांति, ये भारत के संस्कृति के अंदर एक बड़ा हिस्सा है जिसके कारण दुनिया के सारे देश भारत से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप नए विधायक हैं, आप यहाँ पर 3 दिन रुकेंगे, अलग अलग विधानसभा के अंदर यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ की प्राइड की संस्था, सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के माध्यम से किस तरीके से लोकसभा ने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से हमने हमारे माननीय सदस्यों के क्षमता संवर्धन के विकास का काम भी किया है, उनको सही समय पर जानकारी, हमारी रिसर्च विंग को हमने बेहतर किया है, रिसर्च की जानकारी तुरंत माननीय सदस्यों को मिले, ये सारी जानकारी आप यहाँ लेंगे तो अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर अपनी रिसर्च विंग को बेहतर करेंगे, लाइब्रेरी को बेहतर करेंगे। आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास है कि एक देश एक विधायक, एक प्लेटफार्म पर पूरे देश की विधायी नीतियों, कार्यक्रमों, वहाँ की डिबेट चर्चा अभी तक, वहाँ की बजट, वहाँ के कानून, तमाम एक प्लेटफार्म पर जब अगले वर्ष 2023 में हम लाने का प्रयास है, ताकि हम पूरे देश के विधायी प्लेटफार्मों की गतिविधियों को देख सकें और उनकी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेज, उनकी अच्छी परंपराएं हम अपने यहाँ भी अपना सकें। और मुझे खुशी है कि राज्य की विधानसभाओं ने बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाया है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, उसके कारण जहाँ पर हमारी विधानसभाओं का टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहाँ खर्चा बचा है, वहाँ नई विधायें मिली है, वहीं हमारे विधायकों का क्षमता संवर्धन भी हुआ है। और उसके साथ साथ दुनिया के जितने लोकतांत्रिक देश हैं उनकी परंपराओं, परपाटियों, उनकी प्रैक्टिस की जानकारी भी हमें मिल रही है और जनता से भी सीधा कनेक्ट उस टेक्नोलॉजी के कारण, जो आपने डिबेट की, चर्चा की, संवाद की बजट पर, वो जनता भी का भी जुड़ाव विधानसभाओं, लोकसभाओं से नियमित रूप से बढ़ रहा है। मुझे आशा है कि हम बेहतर
नई तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे और उसका बेहतर तरीके से सकारात्मक रूप से जनता के लिए उपयोग हो इसका प्रयास करेंगे। आप सब यहाँ पर आए हैं, मुझे खुशी है कि आप में से एक विधायक जिन्होंने यहाँ पर लोकसभा के अंदर लंबे समय तक काम किया है वो लोकसभा की गतिविधियाँ कार्यक्रम नीतियों को जानते हैं, वो जनप्रतिनिधि बने, ये बहुत खुशी की बात है। और मुझे आशा है कि प्राइड के साथ, हमारी लाइब्रेरी के साथ, हमारी रिसर्च विंग के साथ आप सब निकट का संबंध रखेंगे। मैं प्रसन्नजीत जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी उनसे भी आग्रह करूँगा कि आपको लाइब्रेरी की, रिसर्च की कोई भी आवश्यकता हो तो हमारी विधानसभाओं से संपर्क रहे, एक प्लेटफार्म पर आप जो चाहेंगे हम आपको उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पर 1921 से डिबेट चर्चा पड़ी है, आने वाले समय पर हम मेटा डेटा के माध्यम से 1921 की डिबेटों को 2022 तक पूरा कर लेंगे। आप कभी भी किसी डिबेट को देख सकते हैं कि उस समय जब विधानसभा बनी थी उस समय उसके विधानसभा बनने पहले क्या क्या कानून थे, उसके बाद क्या क्या कानूनों में परिवर्तन हुआ, किस किस तरीके से उन कानूनों के माध्यम से विधानसभाओं के अंदर हमने नए प्रयोग किए, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। हम जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही बेहतर विधायक बन पाएंगे। इसलिए हमने सभी विधानसभाओं से आग्रह किया है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में हमें अपनी उन विधानसभाओं में लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए ताकि उनसे प्रेरणा मिले और इसके एक अच्छे परिणाम आते हैं। प्रशिक्षण जीवन के अंदर अपने जीवन में नए परिवर्तन लाता है, नई प्रेरणा देता है, नई दिशा देता है, इसलिए प्रशिक्षण अपने जीवन में आवश्यक होता है। मुझे आशा है कि आप लोकसभा के नियम प्रक्रियाओं को भी देखेंगे, परंपराओं प्रपाटियों को भी देखेंगे, यहाँ पर अपनी विधानसभाओं के नियम प्रक्रियाओं प्रपाटियों में क्या बेहतर कर सकते हैं। आपसी सहयोग, आपसी सामंजस्य से एक बेहतर विधायी संस्थाओं को हम और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जब स्पीकर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमारी कोशिश रहती है कि माननीय विधायकों की अपेक्षाओं के अनुसार हम हमारे यहाँ नीतियों, कार्यक्रमों, नियमों, प्रक्रियाओं में, परपाटियों में समय समय पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिवर्तन करते रहें और कई विधानसभाओं ने इसमें सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। आप सभी को पुनः लोकसभा के अंदर प्राइड संस्था की ओर से, संसद की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से ये 3 दिन का आपका प्रशिक्षण आपको नई ऊर्जा, नए संकल्पों के साथ आप जाएंगे और ज़्यादा जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को आप पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।